सदर लोकसभा सीट से भारत प्रभात पार्टी ने गीता देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को अपने समर्थकों के साथ गीता देवी कलेक्ट्रेट परिसर नामांकन के लिए पहुंची। गीता देवी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन को अपना नामांकन पत्र सौंपा। गीता देवी ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मैं चाहती हूँ कि गोरखपुर का विकास हो। जो शुगर मिल फैक्ट्री बंद हो चुकी है उन्हें मैं चालू करवाऊंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारत प्रभात पार्टी की प्रत्याशी गीता देवी ने कहा, नामांकन पत्र किन मुद्दे पर चुनाव होगा? जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का है। मैं बेरोजगारी की वजह से जो गोरखपुर के लोग हैं बाहर जाने लगे हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जिसकी वजह से गोरखपुर का विकास मुश्किल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि गोरखपुर का विकास हो। इसके लिए यहाँ पे जो शुगर मिल्स फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं उन्हें मैं चालू करवाऊँगी अगर मुझे चुना जाएगा गोरखपुर की जनता द्वारा। तो धन्यवाद। किस पार्टी से चुना? भारत प्रभात पार्टी से।